नमस्कार दोस्तों, एपीएस न्यूज़ पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरपंच के जो इलेक्शन होने हैं उसकी डेट ऑफिशियल साइट पे 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में दिखाई गई है और कहा गया है कि जो पूरे हरियाणा प्रदेश है इसमें सरपंच पद के, जिला परिषद के और ब्लॉक समिति का जो इलेक्शन होना है उसको 2 चरणों में आयोजित कराया जाएगा। हतीन में सरपंच और ब्लॉक समिति के सदस्यों का आरक्षण 29 जून को 11 बजे SDM कार्यालय हतीन में होगा, जबकि 30 को जिला परिषद का ड्रॉ पलवल में खोला जाएगा और यहां पर ये डिसाइड होगा इस ड्रॉ से कि कहां पे जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और कहां पर रिजर्व सीट पे इलेक्शन होना। सभी राज्य बोर्डों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई तक खाका तैयार करें, किस तरीके से 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करना है, कौन कौन सी ऐसी प्रणाली है, कौन कौन से ऐसे फार्मूले जिनके आधार पर रिजल्ट घोषित होना है। तो यहाँ पर 12वीं का रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहते हैं कि फार्मूला निकाला गया है जिसके आधार पर ये रिजल्ट घोषित किया जाना है। तो वो भी आपको बता देते हैं कि 12वीं के रिजल्ट के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड का फार्मूला है कि 10वीं के 30% अंक रिजल्ट के लिए जोड़े जाएंगे, 11वीं के 10% अंक जोड़े जाएंगे और 12वीं कक्षा के लिए 60% अंक रिजल्ट में जोड़े जाने हैं। इस फार्मूले के आधार पे हरियाणा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगली खबर पिथले से है। पिथले में बिजली की समस्याओं को दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएँ सामने आ रही हैं, इसको लेकर पिथला ग्रामवासियों ने बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि बिजली में आने वाली परेशानी जल्द से जल्द सॉल्व की जाए। अगली खबर फरीदाबाद से है। वेतन न मिलने से कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं, साथ ही आज उन्होंने झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और वेतन न मिलने पर जुलूस निकाला है और उन्होंने अपील की है केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से वेतन को लेकर अपनी ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर्मचारियों को वेतन मिले। अगली खबर पलवल से है। उधार शराब न देने को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है। मामला है शराब की पेटी उधार न देने पर युवक पर जो ठेके पर मौजूद था, जिसकी ड्यूटी ठेके पर थी, उस पर अंधाधुंध 7-8 फायरिंग की गई, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से जान बचाकर भाग गया। उसे वहाँ पर पैसे भी लूटे गए। शिकायतकर्ता ने मामला पुलिस में दिया है और पुलिस ने FIR कर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। अगली खबर पलवल से है। पलवल में हेल्थ विभाग की टीम ने एक क्लिनिक पे छापा मारा है। यह क्लिनिक एक 10वीं पास युवक चला रहा था। वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ और औजार मिले हैं जिनको हेल्थ विभाग की टीम ने अपने अधिकार में लिया है और क्लिनिक को सील कर दिया है। कैंप थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार डॉक्टर AK यादव ने शिकायत दर्ज कराई है कि CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप को CM विंडो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के बाद रहराना गांव में बिना किसी डिग्री के एक युवक क्लिनिक चला रहा था, वह लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा था। इस शिकायत के बाद कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया। इसमें डॉक्टर कौशल, जिला औषधि अध्यक्ष कृष्ण कुमार को शामिल किया गया। टीम ने उक्त क्लिनिक पर छापा मारा है और वहां पे पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर क्लिनिक को सील करा। अगली खबर पलवल से है। पलवल में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। KGP एक्सप्रेस वे पर खेड़ला गांव के निकट तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के साथी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी। अगली खबर अंधोप ग्राम से है। अंधोप ग्राम में मेन रास्ता जो हुडल की तरफ से अंधोप गांव के अंदर आता है, तो यहां पर फिरकी में ये रास्ता बुरी तरह से टूटा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं और लोग इससे बहुत परेशान हैं। रात में और लोग भी यहां पे आते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ड्यूटी वगैरह का काम करते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, वो सब इससे बहुत त्रस्त है क्योंकि यहाँ पर निकलने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे तक यहाँ पे हुए पड़े हैं, कहीं बीच में रोडे पड़े हुए हैं। बहुत ही जर्जर मामला है इसका। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बारे में कार्रवाई करें और इस रोड का समाधान, जिससे ये पूरा हो सके, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो सके, जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और चर्चित खबरों के साथ। तब तक इसी तरह वीडियो के साथ अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।